श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा मावे के लड्डू वाली। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए विष्णु लोक पहुँचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वह मानव की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? ये सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो हे नारद मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जाएगी, जिसे खोजा कर व्रत भी कहते हैं। इसके विधि विधान से करने के से कष्ट दूर होते हैं, तो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडितानी रहती थी, वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए और इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान से सभी को बतलाइए। तब वह एक साहूकार को ये व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णों का व्रत करती हूँ, ये उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पाटा पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के छाने भरकर रख दें, गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें। इसके बाद स्वयं तिलक लगावें। इसके बाद ढाई पाव शक्कर, छाई पाव खोआ दोनों को मिलाकर छह पेड़े बनावें। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावें, दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें, जैसे भांजे ननंद भानज बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावें, जो सहेली छह महाव्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। पाँचवा पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें, छठवा पेड़ा के छह भाग बनाइए, तुलसी जी को चढ़ावें, गौ माता को खिलावें, अहीर को देवें, गर्भवती स्त्री को देवें, राहगीर बालक को देवें, कुंवारी कन्या को खिलावें। इस प्रकार छह पेड़ा वितरित करें, लोटे रखें जल से, चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावें। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो व्रत की विधि समझाई, तब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ दो कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी, वह प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का विवाह संपन्न घराने में कर दिया। दोनों बहनें शरद पूर्णों का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण ये फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सुधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। जब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो तो इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है, अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्ण फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती, उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पाटा पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्ण व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी ना होगी। साथ ही साथ पड़ोस में सगे संबंधियों को ये व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूरी हुई, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करें। शरद पूर्णिमा कथा समाप्त। इति श्री। तो ये थी शरद पूर्णिमा व्रत कथा मावे के लड्डू वाली। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूं।